नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम सॉन्ग प्लेन पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा ये एक बेहतरीन सा मॉडल जो कि हमने 31 फीट बाय 25 फीट के अंदर बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये हमने इसका लेआउट यानी कि जो फाउंडेशन है वो आपको अभी दिखा रहे हैं। ये हमने गांव के हिसाब से 3 बेडरूम के साथ टीन शेड एक घर का नक्शा बनाया हुआ है। और इस वीडियो में आपको लागत वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों प्रेम सॉन्ग प्लान देख रहे होंगे, आप सभी हमारे चैनल पर बने रहे। आपको यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर करके आपका साथ जरूर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं, डिस्कस शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्लान है वो टोटल 31 फीट बाय 25 फीट का है। ये कॉर्नर से लेकर यहाँ तक आपका है जो स्पेस है वो 31 फीट का है, और यहाँ से लेकर फ्रंट साइड की ओर से लेकर बैक साइड की यहाँ पर आपका 25 फीट, 31 बाय 25 फीट का ये प्लॉट है। तो यहाँ पर अभी वॉल वगैरह और कॉलम वगैरह आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कॉलम कुछ तरीके से आने वाला है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कॉलम पोजीशन वगैरह कुछ तरीके से रहेगा कॉलम। अभी मैं आपको वॉल वगैरह सब कुछ क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं अभी। और यहाँ पर अभी आपको मैं जो डोर फ्रेम वगैरह है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे विंडो फ्रेम वगैरह कुछ तरीके से आने वाला है। अभी ये लिंटेल लेवल आप देख रहे होंगे, लिंटेल लेवल कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसी लिंटेल लेवल से आपको जो यहाँ पर मिडिल पर आप देख रहे होंगे छोटा सा एक स्लैब हमने डाला हुआ है लिंटेल लेवल के ऊपर, आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से। तो अभी ऊपर का वॉल भी क्रिएट कर लेते हैं, आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से। अभी टीन शेड कर देते हैं। जो टीन शेड है दोस्तों, ऊपर आप देख रहे होंगे वेंटिलेटर कुछ तरीके से आने वाला है अभी। और यहाँ पर आपको विंडो छज्जा वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे टीन सेट भी हमने ऐड कर दिया हुआ है। फिलहाल हमने टीन का जो पैटर्न है दोस्तों वो नहीं रखा हुआ है, टीन का कलर कॉम्बिनेशन फिलहाल हमने सिंपल एक कलर पर रखा हुआ है टीन। आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से रहेगा टीन का रूफिंग, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तरीके से रहेगा। ये साइड व्यू और बैक साइड का व्यू दोस्तों कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अभी इसके प्लानिंग के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे आप कहीं से भी आएंगे, आप सबसे पहले ये स्टेप से होकर एंट्री करके जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहुंचेंगे रहेगा आपका बारामदा। बारामदा का साइज आएगा दोस्तों 10x8 फीट के अंदर। और इसी बारामदा से आपको इस साइड की ओर यहाँ पर एक डोर फ्रेम देखने को मिलेगा जिससे जाएंगे दोस्तों। तो ये रहेगा आपका किचन, किचन का साइज है 9x8 फीट के अंदर। किचन के ठीक पीछे की ओर आपको यहाँ पर और एक डोर देखने को मिलेगा जिससे जाएंगे दोस्तों। तो ये रूम पर पहुंचेंगे, इस रूम का साइज हमने रखा हुआ है 13 फीट बाय 12 फीट के अंदर रहेगा एक बेडरूम। उसके बाद आपको बारामदा से इस साइड की ओर यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर से एक डोर रहेगा जिससे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहुंचेंगे ये रहेगा आपका एक दूसरा बेडरूम जिसका साइज आएगा दोस्तों 12x13 फीट के अंदर। उसके बाद दोस्तों बैक साइड का जो बेडरूम था उसके ठीक नीचे की ओर आपको यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ से जाएंगे तो ये वाला और एक डोर रहेगा जिससे जाएंगे दोस्तों। तो ये रहेगा आपका तीसरा बेडरूम जिसका साइज आएगा 12x12 फीट के अंदर। और ये बेडरूम बैक साइड की ओर और ये दूसरा बेडरूम, ये दो बेडरूम के ठीक मिडिल पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर से एक डोर रहेगा जिसे जाएंगे। तो ये रहेगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम जिसका साइज आएगा 6x7 फीट के अंदर। और ये जो टॉयलेट बाथरूम है इसके जो हमने हाइट यानी कि रखा हुआ है 7 फीट 4 इंच का रखा हुआ है हाइट। और इसके ऊपर हमने देख रहे होंगे लिंटेल लेवल से ही, यहाँ पर जो लिंटेल लेवल आएगा यहीं से हमने स्लैब डाला हुआ है, आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से टॉयलेट बाथरूम के ऊपर। और फिर यहाँ से एक डोर हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला, इस डोर से जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना जो टॉयलेट बाथरूम है उसके ऊपर का जो स्पेस निकलेगा स्लैब डालने के बाद, इस स्पेस को आप स्टोर रूम की तरह दोस्तों यूज कर पाएंगे। तो कुछ तरीके से हमने डिजाइन तैयार किया हुआ है। आपको कैसा लगा दोस्तों आज का प्लान? और इस घर को बनाने में लागत की अगर बात करें दोस्तों तो 8 से 9 लाख रुपए तक लागत लग सकता है दोस्तों, क्योंकि टिन सेट का जो प्राइस है अभी थोड़ा हाई है और उसके लिए आपका आयरन का स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। तो उसी कारण और हमने यहाँ पर वुड का फ्रेम यूज किया हुआ है, इसी कारण हम बजट कह रहे हैं आपको कुछ इस बजट में ही आप इस घर को बना पाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिंस होम प्लान।